नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइस WWE ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का इवेंट हो चुका है जहां पर कुछ मुकाबले देखने को मिले। जैसे कि WWE का ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स US आर्मी को डेडिकेटेड एक लाइव इवेंट होता है जिसे WWE PPV की तरह प्रमोट करती हैं। हालांकि साल का ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स इवेंट क्राउन ज्वेल से पहले ही हो चुका है लेकिन WWE ने उसे अभी तक टेलीकास्ट नहीं किया है। WWE के मुताबिक 14 नवंबर के दिन WWE इसे TV पर टेलीकास्ट करने वाली है लेकिन इंडिया में किसी भी TV चैनल पर ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को शेड्यूल नहीं किया गया है यानी इसे इंडिया में टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के रिजल्ट्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में सबसे पहला मुकाबला देखने को मिलता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बिग ई और डॉल्फ जिगलर के बीच। मुकाबले के अंत में बिग ई फिनिशिंग मूव लगाते हुए इस मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद रॉबर्ट रूड बिग ई के ऊपर हमला करते हैं लेकिन बिग ई उन्हें भी बिग एंडिंग लगा देते हैं, जिसके बाद विमेंस डिवीजन का एक मैच देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन के बीच। मैच में बियांका ब्लेयर अपना फिनिशिंग मूव लगाते हुए इस मैच को जीत लेती हैं। मैच के बाद दोनों ही रेसलर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हुए हाथ मिलाती हैं। फाइनली यहां पर यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। रिंग साइड पर शिंसुके नाकामुरा के साथ रिक बुक्स होते हैं जो कि मैच के दौरान बार बार गिटार बजाकर रोमन रेंस को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ऐसे में उसोज यहां पर आते हैं और रिक बुक्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस शिंसुके नाकामुरा को स्पीयर लगाते हुए इस मैच को जीत लेते हैं। तो इस बार के ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में कुल 3 मुकाबले देखने को मिले जहां पर आखिर में रोमन रेंस और शिंसुके नाकामुरा का मुकाबला देखने को मिला। हालांकि आप इन मैचों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो गाइज क्या हैं आपके ख्याल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।